साहस सरोकार। घुमाओ भी हाँ जी, जोरदार तालियां एक बार। फिल्म मेरे तरफ करो। हाँ हाँ, चलो सुनो, उल्टा करो, उल्टा करो, जल्दी उल्टा करो। चलिए हिट करिए, हिट करिए। पीएससी रिक्रूटमेंट आरक्षी का दीक्षांत समारोह का आयोजन किया गया है। और दीक्षांत समारोह में आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शिरकत कर चुके हैं, साथ ही उत्तर प्रदेश के पुलिस महानिदेशक और पुलिस कार्यक्रम भी कार्यक्रम में मौजूद है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि मुख्यमंत्री इसका हेलो रीति से माननीय मुख्य अतिथि महोदय का स्वागत अभिनंदन किया गया आज की दीक्षांत परेड के द्वारा। माननीय मुख्यमंत्री जी की गरिमामयी उपस्थिति हम सब के लिए हर्षोल्लास की प्रतीक, हमारे आनंद और प्रसन्नता की परिचायक। और ये सभी रिक्रूट इनके लिए आशीर्वाद के समान। परेड कमांडर के द्वारा माननीय मुख्य अतिथि महोदय से परेड के निरीक्षण के लिए अनुरोध किया गया ज्योतिर्लिंग कमांड के साथ, और खुले श्वेत वाहन में पधारते हुए परम आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश जी, आपके साथ पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश, वाहन का प्रस्थान। आप जानते हैं भारत में उत्तर प्रदेश को सर्वोत्तम प्रदेश बनाने के लिए पूरी तरह कटिबद्ध है माननीय मुख्यमंत्री जी। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। आपका हर क्षण और हर पल प्रदेश को विकास के मार्ग पर आगे ले जाने के लिए, प्रदेश की खुशहाली के लिए, कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए, सर्वांगीण विकास के लिए हमेशा समर्पित रहता है। ये आपके ही निर्णय और निर्देश का सुपरिणाम है जो आज पीएससी के लिए रिक्रूट आरक्षी इस भव्य दीक्षांत परेड के माध्यम से। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। आपका हर क्षण और हर पल प्रदेश को विकास के मार्ग पर आगे ले जाने के लिए, प्रदेश की खुशहाली के लिए, कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए,
हमेशा समर्पित रहता है। ये आपके ही निर्णय और निर्देश का सुपरिणाम है जो आज पीएसी के ये रिक्रूट आरक्षी इस भव्य दीक्षांत परेड के माध्यम से पीएसी के सदस्य के रूप में, उत्तर प्रदेश पुलिस बल के सदस्य के रूप में अपनी सेवाएं देने के लिए तैयार होंगे और संलग्न होंगे। आप देख रहे हैं माननीय मुख्य अतिथि महोदय का वाहन शनै शनै परेड की ओर बढ़ता हुआ और ये निकट से उनके अवलोकन का निरीक्षण का एक अवसर है, एक रस्म है। लेकिन अंतर्निहित भाव इसमें यही है कि उन्हें बहुत करीब से आशीर्वाद देना। स्टेट बैंड के परोक्ष रूप से अपनी भाव भंगिमा से उन्हें आश्वस्त करते हुए किसी भी प्रकार की कोई भी आज प्रदेश पर वाने नहीं देंगे। कि हमारा संकल्प है, कि दृढ़ प्रतिज्ञा है, इनका सघन प्रशिक्षण, इनके अनुशासन का बहुत ही सूक्ष्मता से निरीक्षण। मैदान के मध्य पहुंच चुका है खुला श्वेत वाहन, स्टेट बैंड की धुन पर मधुर स्वर लहरियों पर ये निरीक्षण। महोदय के दूरदर्शितापूर्ण निर्देश और कुशल मार्गदर्शन के अंतर्गत की सारी कुशलता और उच्च स्तरीय व्यावसायिक दक्षता, समय के अनुरूप तकनीक का उपयोग करने में सक्षम, इनका 6 माह का आधारभूत प्रशिक्षण इन प्रशिक्षकों को प्रदान किया गया और आज से प्रदेश की सेवा में ये प्रशिक्षण हमेशा इनकी काम आएगा। सघन प्रशिक्षण हमेशा इनको शक्ति देगा, ऊर्जा देगा। परिश्रम के पसीने से जब सफलता की फसल खिलती है, जब किसी एक से नहीं पूरे जमाने से शुभकामना मिलती है। अपनी तालियों से इन रिक्रूट को शुभकामनाएं प्रेषित कीजिए, इन्हें आशीर्वाद दीजिए। साथियों, माननीय मुख्यमंत्री जी का मानना है और अपने उद्बोधनों में समय समय पर आप कहते भी हैं कि पुलिस सेवा में अपने उत्तरदायित्व का जब निर्वहन किया जा रहा हो, जनसेवा का काम हो, उसमें हमेशा पूर्ण समर्पण, व्यावसायिक दक्षता, निष्पक्षता और एक अभिनव सोच, इनोवेटिव सोच का समावेश जरूर हो। साथ ही अगर कभी किसी कर्तव्य परायणता में त्रुटि होती है, कोई गलती होती है, तो समझदार वो है जो त्रुटि को सुधार लेता है। सफलता के शिखर पर वो ही पहुंचते हैं।
माननीय मुख्य अतिथि जी पुनः सलामी मंच पर पधारते हुए हमारे लिए बहुत ही गौरव की बात है आपकी उपस्थिति हमारे लिए। भैया आप पीछे आ जाइए, भैया पीछे आ जाइए, थोड़ा देख रहे हैं पहले दिखाते धूप में आप भाई पीछे आ जाए भाई यार थोड़ा तो मान ले यार आप लोग भी परेड का सर्वाधिक आकर्षक नमूना आपके सामने होगा जब ये पूरी परेड तेज चाल में सलामी मंच के सामने से गुजरते हुए अपना मान प्रणाम अपना अभिवादन माननीय मुख्यमंत्री जी को प्रेषित करेगी। बहुत ही पुरानी ये प्राचीन परंपरा है सैन्य रीति से मुख्य अतिथि का अभिवादन। इस अभिवादन में इनके प्रशिक्षण का मर्म भी छुपा है। पिछले 6 माह के आधारभूत प्रशिक्षण में किस तरीके से इनका ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, रिफॉर्म हुआ, ये चीज भी आपको दर्शक दीर्घा में देखने को मिलेगी। शायद मुझे कहने की आवश्यकता नहीं होगी। इस लाइन में परेड आएगी, यहाँ भी परेड आएगी। जोरदार तालियां एक बार शानदार आवाज तेज चाल के साथ। ये है प्रशिक्षण, ये है अनुशासन, ये है अभ्यास। करत करत अभ्यास से जड़ अति हो सुजान। और पुलिस इसी अभ्यास के दम पर पूरे विश्व में एक अपनी अलग छवि रखती है। सभी प्रशिक्षकगण अधिकारीगण इसके लिए बधाई के पात्र हैं और विशेष रूप से ये प्रशिक्षु हमारे पीएसी के ये प्रशिक्षु जिन्होंने इतने अल्प समय में ये व्यावसायिक दक्षता हासिल की है और प्रदेश में जैसा कि माननीय मुख्यमंत्री जी की अपेक्षा है भय मुक्त समाज हो, गरीबों को कोई न सताए, निर्भय हो सब, सबका कल्याण हो। और हमारा उद्घोष भी यही है परित्राणाय साधुनाम विनाशाय च दुष्कृताम। दुष्टों के लिए जीरो टॉलरेंस और जो गरीब है मजलूम है उनके लिए हमारे दिल में हमेशा जगह रहेगी। सुनो क्या सिंधु में गर्जन तुम्हारा, सुनो क्या सिंधु में गर्जन तुम्हारा, स्वयं जो धर्म की हुंकार हूँ मैं, कठिन निर्दोष हूँ भीषण अवधि का, प्रलय गांधी की संकार हूँ मैं, हम कहाँ औरों के चोरों को हवा देते हैं, उस पर आते हैं तो तूफान उठा देते हैं, तालियों से इंद्र क्रूर भारत को आशीर्वाद दे दीजिए। आज का ही ऐतिहासिक स्वर्णिम दिन एक यादगार दिन है आप सबके लिए, हमारे प्रदेश के लिए गौरव का दिन है। ये सभी प्रशिक्षु तालियों के मध्य जवाब के सामने से गुजरे। शायद मुझे कहना नहीं पड़ेगा जब आपके सामने से टुकड़ियां गुजरेंगी आप पर्वत इन्हें तालियों का आशीर्वाद देने के लिए विवश होंगे। जहां डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा,
भारत देश है मेरा, भारत देश है मेरा। धीरे धीरे एक बार फिर इतिहास दोहराया जा रहा है और ये सपना फिर साकार हो रहा है। बहुत ही शानदार ढंग से परेड सलामी मंच के सामने आती हुई जरा स्टेट बैंड के लिए भी एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिए। जहां डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, भारत देश है मेरा। जोश भरते हुए वर्ष 1950 से सतत अपनी सेवाएं दे रहे हैं हमारे ये शानदार स्टेट बैंड के साथी। अब्दुल रहमान 10वीं टोली के कमांडर
शानदार कमांड की है। केसरिया पगड़ी में यह है चारवीं टुकड़ी, कमांडर है शैलेश सिंह। बहुत ही शानदार, जरा जोरदार तालियां इन टुकड़ियों के लिए, इन सभी अपने लाल और बच्चों के लिए, बीएसी के रिक्रूट के लिए। बारहवीं टोली सलामी मंच के सामने से गुजरती हुई जवान है सचिन कुमार तिवारी के पास। बेहतरीन प्रदर्शन, पूरे कदमों को जमीन के समान तक घुमाकर अपना अभिवादन करने के लिए ये टुकड़ी। बहुत बढ़िया, तालियां जोरदार तालियां एक बार। 14 नंबर की ये टोली आशीष कुमार इसकी कमान देख रहे हैं। उत्तम कुमार उत्तम प्रदर्शन के साथ 15वीं टोली सलामी मंच के सामने गुजरती हुई। एक शानदार कमांड फिनिशिंग टुकड़ी जय सिंह ने दी, बेहतरीन कमांडर बेहतरीन कमांड जय सिंह की 16वीं टुकड़ी, 399 रिक्रूट आरक्षी, इन सभी ने अपना मान प्रणाम प्रेषित किया। और सबसे पीछे परेड के तृतीय कमांडर चल रहे हैं। बहुत ही हर्ष और उल्लास का ही अवसर, आज का दिन उत्तर प्रदेश के लिए एक ऐतिहासिक दिन है, एक शानदार दिन है, जब 399 हमारे लिए बीएसी के रिक्रूट आरक्षी आज से प्रदेश की शांति व्यवस्था में अपनी सेवाएं देने के लिए तैयार होंगे। माननीय मुख्य अतिथि महोदय के द्वारा इन्हें शपथ दिलाई जाएगी और उस शपथ के साथ ही उत्तर प्रदेश पुलिस के इस विशाल परिवार में शामिल हो जाएंगे। आप सबकी उपस्थिति से आज का ये दीक्षांत परेड समारोह असीम ऊंचाइयों पर पहुंचता हुआ, यादगार क्षण यादगार पल। परेड की अलाइनमेंट पर एक बार पुनः की परेड पहुंचेगी। माननीय मुख्य अतिथि जी का हमेशा से यही कहना है कि हम निकल पड़े हैं प्रण करके, हम निकल पड़े हैं प्रण करके, अपना तन मन अर्पण करके, हम निकल पड़े हैं प्रण करके, अपना तन मन अर्पण करके, दिल है एक सूर्य उगाना है, अंबर से ऊंचे जाना है, सर्वोत्तम प्रदेश बनाना है, सर्वोत्तम प्रदेश बनाना है, सर्वोत्तम प्रदेश बनाने का दृढ़ संकल्प माननीय मुख्यमंत्री जी का दिन रात एक करके इस संकल्प की सिद्धि में सतत संलग्न है माननीय मुख्य अतिथि जी।
समीक्षा क्रम में 15 कदम आगे आती हुई परेड, शानदार कवायद, जोरदार तालियां। सादर अनुरोध है पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश महोदय से, डॉक्टर देवेंद्र सिंह चौहान सर से, कृपया अपना उद्बोधन देने की कृपा करें। आज इस परेड के प्रांगण में उपस्थित हमारे सभी बहादुर जवानों के परिवारजन, आदरणीय माताएं बहनों, उनके सभी प्रियजन, यहाँ पर उपस्थित प्रेस के सभी साथी जो मेरे बहादुर साथी हो, आज की ये परेड 6 महीने के कठिन प्रशिक्षण के बाद में आयोजित की जा रही है। ये प्रशिक्षण 13 जनवरी को चालू हुआ। माननीय मुख्यमंत्री जी को मैं बताना चाहता हूँ कि पहले पुलिस ऑफिसर का जो बेसिक कोर्स होता था ट्रेनिंग का, वो 1 साल का होता था, इसको घर के 9 साल और प्रदेश की ऑपरेशनल रिक्वायरमेंट को देखते हुए इसको घटा के 6 महीने किया गया। इसका मतलब ये कि जो हमारे वीर जवान हैं उनको दुगना परिश्रम करना पड़ा। जो ट्रेनिंग हम 9 महीने में पूरी करते थे वो 6 महीने में पूरी की। लेकिन आज की परेड की कहानी महोदय जनवरी से नहीं स्टार्ट होती है। ये कहानी तब से स्टार्ट होती है जब आपने इस प्रदेश का एज मुख्यमंत्री कार्यभार संभाला और आपने एक पारदर्शी चयन प्रक्रिया को सुरक्षित किया। यहाँ आज जितने भी परिवारजन रखे हैं इनमें से कोई भी सिफारिश के लिए भागदौड़ नहीं किया, कोई भी किसी को धन या लालच देने के लिए भागदौड़ नहीं किया। एक पारदर्शी स्वच्छ प्रक्रिया के तहत इसका रिक्रूटमेंट हुआ, इसका चयन हुआ और फिर उसी तरीके से इनको हमने अपने परिवार में रख के ट्रेन किया। इनकी ट्रेनिंग के लिए हमने काफी सुविधाएं दी, इनके रहने की अच्छी व्यवस्था की, इनके भोजन की अच्छी व्यवस्था की और हमारे इंस्ट्रक्टर के माध्यम से, ट्रेनिंग डायरेक्टर के माध्यम से ये पाठ्यक्रम जो है वो पूरा इसको तन्मयता से लगन से सुनिश्चित किया। इनके जो ट्रेनर थे उन्होंने अथक प्रयास किया आज इनको इस तरह इस कार्य बनाने के लिए। आपका विजन है उत्तर प्रदेश के लिए कि पुलिस डिपार्टमेंट में तकनीक का सम्मिलित किया जाए, इनको अपनी बेसिक ट्रेनिंग के अलावा, कानून के ज्ञान के अलावा इनको तकनीक का भी जो है प्रारंभिक प्रशिक्षण दिया गया है। उत्तर प्रदेश पुलिस ने पिछले कई माह से ये सबसे शुरू होता है जब आपने 2017 में शपथ ग्रहण की,
उत्तर प्रदेश की पुलिस ने आपके विजन के अनुरूप समाज को जनता को ये मैसेज दिया है कि जो नागरिक कानून का पालन करता है पुलिस उसके साथ सड़क गंतव्य मिलाते हुए चलती है, उसकी सुरक्षा करती है। और जो कोई भी नागरिक कानून अपने हाथ में लेने की कोशिश करता है उसके ऊपर पूरा कानून का वज्रपात आपकी पुलिस सुनिश्चित करती है। आप देख रहे होंगे कि पूरे प्रदेश में सभी त्यौहार, सभी वर्ग के त्यौहार, हिंदुओं के, मुसलमानों के, सिखों के, ईसाइयों के, पूरे शांतिपूर्ण तरीके से, पूरे अनुशासन के तरीके से मनाए गए। होली का त्यौहार पूरे अनुशासन तरीके से मनाया गया। हमारी दोनों ईद जो है वो एकदम नागरिकों ने जो है कोविड की गाइडलाइन को पालन करके और जो हमारे गाइडलाइन थे उसके अनुरूप नमाज को अदा किया। पहली बार हुआ कि वो पूरे प्रदेश में कहीं भी मस्जिद के बाहर सड़क पर नमाज नहीं अदा की है। कोई भी अन्य राजनीतिक अन्य धार्मिक कार्यक्रम जो है वो सड़कों पर आयोजित नहीं किया गया। समाज के भीतर पुलिस डिपार्टमेंट ने आपके दिशा निर्देश के अनुरूप एक अलग संदेश दिया है कि जो नागरिक कानून का पालन करेगा पुलिस उसके साथ मित्र के रूप में खड़ी है। मुझे पूरा विश्वास है कि आपके दिए हुए विजन के अनुरूप, आपके दिशा के अनुरूप पुलिस डिपार्टमेंट सतत प्रयास करता रहेगा। हमारे जो जवान आज पीएसी में सम्मिलित हो रहे हैं, पीएसी एक ऐसा फोर्स है जिसका एक गौरवशाली इतिहास है। उसने कम्युनल डिस्टर्बेंसेस में, आतंकवादियों के साथ में, आपदा में हर जगह समाज के लिए अपने प्राणों का आहुति देकर उसकी रक्षा की है। मुझे पूरा विश्वास है कि आज जो जवान परेड में अपना सीना पक्ष से ऊंचा करके, अपना सर अभिमान के साथ ऊंचा करके उन्होंने परेड का प्रदर्शन किया है, उसी भावना से वो इस फोर्स में सम्मिलित होंगे और प्रदेश की जनता के लिए अपना योगदान देंगे। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपके उद्बोधन के लिए। और कार्यक्रम के अगले क्रम में अब पारी है उत्कृष्टता और सर्वोच्चता के सम्मान की। हमारे परेड के जो कमांडर रिक्रूट पीएसी के आरक्षी हैं, इन्हें और सर्वांग सर्वोत्तम कैडेट को माननीय मुख्यमंत्री महोदय के द्वारा अपने कर कमलों से सम्मानित किया जाएगा और सलामी मंच के सामने ये सब उपस्थित होंगे। मैदान के मध्य आप देख रहे हैं थर्ड इन कमांड, सेकेंड इन कमांड, परेड कमांडर और सर्वांग सर्वोत्तम कैडेट मैदान के मध्य बिल्कुल पहुंचेंगे 23 साल से। और सलामी मंच के सामने पुरस्कार ग्रहण करने के लिए आएंगे। दर्रे दर्रे में छुपा है हौसले वालों का जोश, दर्रे दर्रे में छुपा है हौसले वालों का जोश, इसी मिट्टी से पैदा होते हैं वतन के सरफरोश, ऐसे सरफरोश हमारे पीएसी के रिक्रूट। एक बार करतल ध्वनि से इन्हें आशीर्वाद दे दीजिए, इनका अभिनंदन कर दीजिए। 23 साल से 6 माह में अपने को ट्रांसफॉर्म करके सलामी मंच की ओर पहुंच रहे हैं परेड के तीनों कमांडर और सर्वांग सर्वोत्तम कैडेट। लिख रहा हूं अंजाम जिसका कल आगाज आएगा, मेरे लहू का एक एक कतरा इनकलाब लाएगा, इनकलाब लाएगा। नमस्कार विजेता,
अरे विष्णु भाई थोड़ा और साइड होके हीट कर जाओ कांदा तुम्हारा श्रीमान पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश से निवेदन है कि माननीय मुख्य अतिथि महोदय से पुरस्कार वितरण के लिए सादर अनुरोध करें। सबसे पहले तृतीय परेड कमांडर होनहार प्रतिभावान छात्र उच्च शिक्षा प्राप्त योगेंद्र अवस्थी आ रहे हैं। जोरदार तालियों से इनका स्वागत कीजिए। चेस्ट नंबर 70 योगेंद्र अवस्थी बीएससी गणित से आपने उच्च शिक्षा प्राप्त की है और परेड की तीसरी कमान आप संभाले हुए हैं। माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों से इन्हें पुरस्कृत किया जा रहा है। द्वितीय परेड कमांडर श्री अमन पांडे चेस्ट नंबर 291 फतेहपुर को बिलोंग करते हैं। BCA और BTC उच्च शिक्षा प्राप्त है। बहुत ही शानदार कमांड आपने देखी इनकी। जोरदार तालियां इनके लिए और माननीय मुख्य अतिथि महोदय से सादर अनुरोध है कि अपने कर कमलों से इन्हें पुरस्कृत करें। परेड के प्रथम कमांडर चेस्ट नंबर 02 फतेहपुर से हायर एजुकेशन प्राप्त BSc गणित के राजा पांडे। बहुत ही शानदार कमांड आज पूरे इस पूरी परेड में आपने देखी। करतल ध्वनि से जोरदार तालियों से प्रथम परेड कमांडर का इनका स्वागत हो। और दिल थाम के बैठिए, अब बारी है सर्वांग सर्वोत्तम कैडेट की। और वाकई में ये सर्वांग सर्वोत्तम ही है। उच्च शिक्षा से प्राप्त होनहार और कुशल ये कैडेट BSc BEd और उत्तर प्रदेश उप निरीक्षक परीक्षा में भी चयनित है। आयुष सिंह के लिए जोरदार तालियां। चेस्ट नंबर 368 बहुत ही शानदार प्रदर्शन इनके द्वारा। तालियों में कोई कमी मत कीजिए। बड़ी मेहनत से दिन आता है। आपकी तालियां ही इनके लिए आशीर्वाद है, इनकी ऊर्जा है। साथियों, अब हम सभी उत्तर प्रदेश पुलिस के जन माननीय मुख्य अतिथि महोदय से सादर अनुरोध करेंगे कि हम सबके पुलिस परिवार के मुखिया परम आदरणीय पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश सर को एक स्मृति चिन्ह कृपया भेंट कर हम सभी को गौरव की अनुभूति कराएं। एक स्मृति चिन्ह पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश के लिए। हम सभी को एक बहुत ही शानदार ये अवसर। सभी ये विजेता पुरस्कार विजेता विगत 6 माह में अपना उत्कृष्ट प्रदर्शन देने वाले ये कैडेट, आपको बताएं कि अंता और वाह विषयों में भी जो हमारे कैडेट्स ने अपनी बेहतरीन परफॉर्मेंस दी थी उन सभी को पुरस्कृत किया गया। और उनमें से सर्वश्रेष्ठ ये कैडेट हमारे जिन्हें माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने अपने कर कमलों से पुरस्कृत कर इन्हें आशीर्वाद दिया। हम सभी के लिए ये गौरव का क्षण, उल्लास का क्षण, अपना बहुमूल्य समय माननीय मुख्य अतिथि महोदय द्वारा दिया जा रहा है। आज का दिन स्वर्णिम इतिहास में लिखा जाने वाला दिन, जब PSC परिवार में 399 ये रिक्रूट सम्मिलित होंगे और आज से शपथ ग्रहण के बाद अपनी सेवाएं देंगे।
अवसर की हम सभी को प्रतीक्षा है। उत्तर प्रदेश पुलिस और पीएसी के सभी जनों की ओर से हम सादर निवेदन करते हैं, माननीय मुख्य अतिथि माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश जी से कि अपने आशीर्वचनों से अपने मार्गदर्शन से हम सभी को अभिसिंचित करने की कृपा करें। माननीय मुख्यमंत्री जी, रिक्रूट आरक्षियों के दीक्षांत परेड समारोह में उपस्थित प्रदेश के पुलिस महानिदेशक श्री देवेंद्र सिंह चौहान जी, अपर मुख्य सचिव गृह देवनील कुमार अवस्थी जी, उत्तर प्रदेश पुलिस के सभी वरिष्ठ अधिकारीगण, लखनऊ के पुलिस आयुक्त श्री डी के ठाकुर जी, रिक्रूट आरक्षियों के सभी परिवार के अभिभावक और अन्य परिवारजन, उपस्थित सभी भाइयों बहनों, आज प्रदेश के राजधानी लखनऊ में प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे 399 पीएसी आरक्षियों के दीक्षांत परेड के अवसर पर इनके शानदार परेड को देखकर के मुझे अत्यंत प्रसन्नता की अनुभूति हुई है। दीक्षांत परेड में शामिल सभी पीएसी रिक्रूट आरक्षियों के सफलतम प्रशिक्षण के लिए उनके प्रशिक्षकों का उनके प्रशिक्षण 399 उन्हें हृदय से धन्यवाद देते हुए पीएसी रिक्रूट आरक्षियों को उनके सफलतम प्रशिक्षण के लिए मैं हृदय से बधाई देता हूं। मैं इसके साथ ही उनके माता पिता अभिभावक और परिजन जो दीक्षांत परेड का साक्षी स्वयं बन रहे हैं उन्हें भी मैं हृदय से बधाई देता हूं। हम सब जानते हैं कि 2017 में जब प्रदेश के अंदर नई सरकार का गठन हुआ था उस समय उत्तर प्रदेश पुलिस बल में भारी संख्या में पुलिस और पीएसी भर्ती के लिए लंबित पड़े हुए थे। विगत 5 वर्ष के दौरान 1,62,000 से अधिक पुलिस कार्मिकों की सफलतापूर्वक भर्ती और प्रशिक्षण के कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के साथ ही एक भारत के तहत उत्तर प्रदेश पीएसी बल को समाप्त करने की जो साजिशें हो रही थी जिसके तहत
54 कंपनियां समाप्त कर दी गई थी। आज जब मैं देशी रिक्रूट के आरक्षियों की शानदार परेड को देख रहा था तो मुझे स्वयं इस चीज कैसा उस समय हो रहा था कि वास्तव में उत्तर प्रदेश की सुरक्षा पर तेज लगाने की कितनी बड़ी साजिश थी। इन होनहार जवानों को प्रदेश पुलिस बल का हिस्सा बनने से रोकने के लिए कैसे उन कंपनियों को समाप्त करते हैं, इन नौजवानों को प्रदेश और देश की सेवा से वंचित करने का एक उचित प्रयास किया गया था। मुझे आत्मिक संतुष्टि है कि हम लोगों ने विगत 5 वर्ष के दौरान बिना किसी भेदभाव के उत्तर प्रदेश के 1,62,000 से अधिक नौजवानों को उत्तर प्रदेश पुलिस बल और देसी में भर्ती की प्रक्रिया के साथ जोड़ करके प्रशिक्षण केंद्रों की क्षमता का विस्तार करते हुए उन्हें सफलतम प्रशिक्षण देकर के पुलिस बल के आधुनिकीकरण की दिशा में भी महत्वपूर्ण कदम आगे बढ़ाए हैं। 2018 में चयनित 15,487 पीएससी रिक्रूट आरक्षियों का आधारभूत प्रशिक्षण जनवरी 2022 में प्रारंभ हुआ था। 6 माह के अपने सफलतम प्रशिक्षण के कारण आज प्रदेश के 87 केंद्रों में यह दीक्षांत परेड का आयोजन किया जा रहा है। मैं इस अवसर पर उत्तर प्रदेश पुलिस बल का हिस्सा बनने के लिए इन सभी बहादुर जवानों का हृदय से स्वागत करता हूं, उनके परिवार के सभी सदस्यों को बधाई देता हूं और इनके मंगलमय भविष्य की कामना भी करता हूं। मुझे बताते हुए प्रसन्नता हो रही है कि न केवल भर्ती की प्रक्रिया बल्कि जो कार्यरत पुलिस कार्मिक है उन्हें समयबद्ध तरीके से पदोन्नति भी प्राप्त हो सके और उसके फलस्वरूप अपने उच्च मनोबल के माध्यम से वे पूर्ण मनोयोग और निष्ठा से अपने दायित्वों का निर्वहन कर सके। इस पदोन्नति की प्रक्रिया को भी जो वर्षों से वर्षों से लंबित पड़े रहे थे उन्हें भी सरकार ने समयबद्ध ढंग से आगे बढ़ाने का कार्य किया। पुलिस कार्मिकों के लिए अवस्थापना सुविधाओं का नितांत अभाव था, उनके लिए आवासीय सुविधाएं नहीं थी, टूटे हुए बैरक थे, प्रशिक्षण आधे अधूरे थे, आधुनिक सुविधाओं का नितांत अभाव था। आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि उत्तर प्रदेश पीएससी के सभी बहालियों के पुनर्गठन के साथ उत्तर प्रदेश पुलिस बल की भर्ती की पूरी प्रक्रिया को सफलतापूर्वक आगे बढ़ाने के साथ ही अवस्थापना सुविधाओं के लिए बैरक और आवासीय सुविधा को बेहतरीन सुविधाओं से युक्त देने की कार्रवाई को भी विगत 5 वर्ष के अंदर उत्तर प्रदेश सरकार ने समयबद्ध ढंग से आगे बढ़ाने का कार्य किया और आज हरेक पुलिस लाइन में पीएससी रिक्रूटमेंट सेंटर में और अन्य प्रशिक्षण केंद्रों में भी पर्याप्त मात्रा में बुनियादी सुविधाओं से उन्हें आच्छादित करने का कार्य किया गया। मेरा मानना रहा है कि दक्ष और प्रशिक्षित पुलिस बल
उच्च मनोबल के साथ जब कार्य करेगी तो अपने पूरे मनोयोग और निष्ठा के माध्यम से पूरे प्रदेश की छवि को सुधारने में बड़ी भूमिका का निर्वहन कर सकती है। और उत्तर प्रदेश के साथ भी यही हुआ। 5 वर्ष के अंदर उत्तर प्रदेश के बारे में जो देश और दुनिया की धारणाएं थी उन धारणाओं को आज हम लोगों ने बेहतरीन कानून व्यवस्था के माध्यम से पूरी तरह बदलने का कार्य किया है। आज हरेक व्यक्ति इस बात पर गौरव की अनुभूति कह सकता है 5 वर्ष पहले जिस उत्तर प्रदेश के युवा को उत्तर प्रदेश के बाहर जाकर के अपनी पहचान छुपाने के लिए मजबूर होना पड़ता था, आज उत्तर प्रदेश का नौजवान बड़े गौरव के साथ कह सकता है कि मैं भारत के हृदय उत्तर प्रदेश का निवासी हूं, क्योंकि उत्तर प्रदेश ने विगत 5 वर्ष के अंदर बेहतरीन कानून व्यवस्था के माध्यम से अपनी छवि को परिवर्तित करने का जो कार्य किया है आज उसकी सर्वत्र सराहना होती है। जब तब संभव हो पाया जब हमारे पुलिस और पीएसी बल के सभी कार्मिकों ने पूरी निष्ठा और पूरे मनोयोग के साथ नेशन फर्स्ट की अपनी प्रतिज्ञा के अनुरूप कार्य करते हुए कुछ बेहतर परिणाम दिए। आज वही कारण है कि विगत 5 वर्ष के अंदर बेहतरीन कानून व्यवस्था का परिणाम प्रदेश में बेहतरीन निवेश और प्रदेश के अंदर उसके माध्यम से रोजगार सृजन की जो अनंत संभावनाएं विकसित हुई, उत्तर प्रदेश के अंदर हर एक सत्य के मन में सुरक्षा का जो भाव पैदा हुआ आज वह देखते हुए बनता है। और अभी नई सरकार के गठन के 100 दिन के अंदर जो बेहतरीन परिणाम आए हैं वो लोगों के लिए और भी पूरी दुनिया के लिए पूरे देश के लिए कौतूहल और आश्चर्य का विषय है कि अलग अलग स्थानों पर हो सकता है देश में कहीं कोई बात रही हो लेकिन उत्तर प्रदेश के अंदर शांति और सौहार्द पूरी मजबूती के साथ यहां पर देखने को मिला। जो पहले उत्तर प्रदेश के बारे में कहा जाता था यहां नित नए दंगे होते हैं, विकास नहीं दंगों पर फोकस होता था, आज उस छवि से उत्तर प्रदेश को बढ़ चुका है। विगत 5 वर्ष के अंदर एक भी दंगा न होना, विगत 5 वर्ष के अंदर बेहतरीन निवेश की संभावनाओं को उत्तर प्रदेश के अंदर जन्म लेना, उत्तर प्रदेश के अंदर उसके माध्यम से लाखों नौजवानों को रोजगार की सुविधाएं उपलब्ध होना, ये सभी कार्य क्रमबद्ध तरीके से आगे बढ़ते हुए दिखाई दिए हैं। और आज उत्तर प्रदेश के अंदर प्रत्येक नागरिक के मन में एक विश्वास बढ़ा है और विश्वास है कि अगर हम कानून का सम्मान करेंगे तो कानून भी हमें संरक्षण देगा और उसी कानून के राज्य की स्थापना के लिए हमारे सभी जवानों को अपनी पूरी निष्ठा के साथ पूरे मनोयोग के साथ कार्य करना है। उत्तर प्रदेश में हम लोगों ने न केवल भर्ती और प्रशिक्षण के कार्यक्रम को सफलतापूर्वक आगे बढ़ाया है बल्कि उत्तर प्रदेश के अंदर हम लोगों ने पुलिस बल के आधुनिकीकरण की प्रक्रिया को भी समयबद्ध ढंग से आगे बढ़ाने का कार्य भी किया है। और खासतौर पर जब हम उत्तर प्रदेश पुलिस बल के आधुनिकीकरण की बात करते हैं तो हम लोगों ने 2018 में डिजिटल प्रशिक्षण के लिए वर्चुअल क्लासरूम की स्थापना के कार्य को प्रदेश के अंदर सभी आरटीसी के क्लासरूम में उसे पहले ही हम सुविधा उपलब्ध करवा चुके हैं। 2019 में पहली बार पुलिस प्रशिक्षकों को तकनीकी विषयों का प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम पर डिजिटल कंटेंट का भी शुभारंभ
प्रदेश में किया गया। इसके माध्यम से प्रदेश के 31 केंद्रों पर स्थापित वर्चुअल क्लासरूम में जो प्रशिक्षु थे उन्हें साइबर अपराध आदि तकनीकी विषयों का प्रशिक्षण भी विशेषज्ञों के द्वारा प्रदान कराया गया। प्रशिक्षण की क्षमता में वृद्धि करने के साथ ही दो नए पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय भी प्रदेश के अंदर स्थापित किए गए। प्रदेश में पहली बार 9 प्रशिक्षण संस्थानों में 73 आउटडोर योग्यताओं हेतु 3 नर्सरी स्थापित की गई। इसके फलस्वरूप पुलिस प्रशिक्षकों की दिल में विशेष सुधार परिलक्षित हो रहा है। प्रथम बार प्रशिक्षण संस्थानों में इससे साइबर क्राइम फॉरेंसिक ट्रेनिंग लैब की भी स्थापना की गई, जिसमें आधुनिक साइबर टूल्स के संबंध में प्रशिक्षण दिया जा रहा है। कोतवाल धन सिंह गुर्जर अत्याधुनिक पुलिस ट्रेनिंग सेंटर टीटीएस मेरठ को अत्याधुनिक स्टेट ऑफ हाईटेक प्रशिक्षण केंद्र बनाया जा रहा है। इस हाईटेक प्रशिक्षण केंद्र पर साइबर अपराध के अलावा फॉरेंसिक ड्रोन के प्रशिक्षण की व्यवस्था ये भी प्रदेश में पहली बार होने जा रही है। ड्रोन के प्रशिक्षण के लिए प्रदेश में पहली बार प्रशिक्षण केंद्र भी बनेगा। समस्त प्रशिक्षण संस्थानों को चिकित्सक कर वहां पर फायरिंग आर्म सिमुलेटर तथा ड्राइविंग सिमुलेटर की स्थापना भी प्रस्तावित है, ताकि पुलिस बल की कार्य क्षमता में वृद्धि हो सके। प्रदेश में पहली बार UPSSF का जेल वार्डन के प्रशिक्षण की व्यवस्था भी प्रारंभ की गई। पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो गृह मंत्रालय भारत सरकार द्वारा 2020-21 के लिए पुलिस प्रशिक्षण में उत्कृष्टता के लिए केंद्रीय गृह मंत्री के पदक के लिए भी पुरस्कार विजेताओं के नाम घोषित किए गए, जिसमें उत्तर प्रदेश के पुलिस प्रशिक्षण संस्थानों को समस्त प्रदेशों में प्रथम स्थान तथा संपूर्ण भारत में तीसरा स्थान प्राप्त हुआ। यह उपलब्धि भी प्रदेश पुलिस बल के लिए एक गौरवपूर्ण है। संपूर्ण भारत के सबसे बड़े पुलिस बल उत्तर प्रदेश पुलिस में प्रशिक्षण और अनुशासन का अत्यंत अत्यधिक महत्व है। प्रदेश को अपराध मुक्त तथा भय मुक्त बनाए रखने जो संविधान और विधि का अनुपालन करते हुए समाज के प्रत्येक व्यक्ति को सुरक्षा बोध कराने की जिम्मेदारी उत्तर प्रदेश पुलिस बल की है। आप सभी प्रशिक्षकों ने कठोर परिश्रम एवं रुचि लेकर के अपना प्रशिक्षण प्राप्त किया तथा भव्य परेड की प्रस्तुति यहाँ पर दी। इसके लिए मैं सभी प्रशिक्षकों को हार्दिक बधाई देता हूँ और आशा करता हूँ कि प्रशिक्षण का उपयोग करते हुए कर्तव्य निर्वहन के दौरान वे अपनी सार्थकता स्थापित करेंगे और राज्य और पुलिस बल के गौरव को निरंतर बढ़ाएंगे। जय हिंद। जोरदार तालियां महाराज जी के ओजस्वी उद्बोधन के लिए एक बार करतल ध्वनि से आभार व्यक्त कर दीजिए। साथियों, आज के शिक्षांत उद्बोधन में पीएसी रिक्रूट में कर्तव्य परायणता और सेवा की भावना का संचार करता हुआ माननीय मुख्यमंत्री जी का उद्बोधन और श्रीमान पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश से मैं अनुरोध करता हूँ कि आज के शानदार कार्यक्रम की अमित स्मृतियों को अक्षुण्य बनाए रखने के लिए माननीय मुख्य अतिथि योगी आदित्यनाथ जी को आदि योगी की एक प्रतिकृति के प्रति चिन्ह के रूप में सादर भेंट करने की कृपा करें। बहुत ही शानदार अवसर, एक स्मृति चिन्ह, एक मोमेंटो, सत्यम शिवम सुंदरम आदि योगी की प्रतिकृति, अनूठी कृति। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं
पुलिस आयुक्त कमिश्नरेट लखनऊ महोदय से धन्यवाद ज्ञापन के लिए अनुरोध करता हूं। परम आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश महोदय, पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश महोदय, अपर मुख्य सचिव गृह महोदय, आज के कार्यक्रम में उपस्थित तमाम वरिष्ठ अधिकारीगण, आज के दीक्षांत परेड में प्रतिभाग कर रहे सभी डीएसी रिक्रूट आरक्षी, उनके परिवारजन, अन्य पुलिसकर्मी और आज के कार्यक्रम को कवर कर रहे इलेक्ट्रॉनिक एवं प्रिंट मीडिया के पत्रकार वर्गों, महोदय उत्तर प्रदेश पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय के निर्देश के अनुक्रम में डीएसी आरक्षी एवं समकक्ष भर्ती प्रक्रिया वर्ष 2018 के अंतर्गत चयनित एवं कमिश्नरेट लखनऊ हेतु आवंटित 400 डीएसी रिक्रूट आरक्षियों का आधारभूत प्रशिक्षण कार्यक्रम कमिश्नरेट लखनऊ की आरटीसी में दिनांक 13 जनवरी को प्रारंभ हुआ। पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम के अनुसार डीएसी रिक्रूट आरक्षियों को अंतर विषय के 5 एवं 22 विषय के 4 समूहों का कुशल प्रशिक्षण कमिश्नरेट लखनऊ के आरटीसी के प्रशिक्षकों एवं अन्य कुशल अतिथि प्रवक्ताओं द्वारा प्रदान किया गया। कमिश्नरेट लखनऊ की आरटीसी में 6 माह के कठिन एवं सार्वजनिक प्रशिक्षण प्राप्त करने के पश्चात आज दिनांक 12 जुलाई 2022 को ये डीएसी रिक्रूट आरक्षी इस संस्थान से राजकीय कार्यों के साथ साथ राष्ट्र कार्य हेतु पास आउट हो रहे हैं। आर सी टी कमिश्नर लखनऊ के अंतर कक्षी विषय एवं बाह्य विषय के प्रशिक्षकों के साथ साथ इस आर सी टी में पुलिस उपायुक्त मुख्यालय, अपर पुलिस आयुक्त लाइन, सहायक पुलिस आयुक्त लाइन एवं प्रस्ताव निरीक्षक एवं अन्य सारे प्रशिक्षकों का मैं आभार प्रकट करता हूँ जिन्होंने इन डीएसी रिक्रूट आरक्षियों को प्रशिक्षण प्रदान कराने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। माननीय मुख्यमंत्री महोदय, मैं आपको आश्वस्त करना चाहूँगा आज के डीएसी रिक्रूट आरक्षी जो आज आपके आशीर्वाद के अंतर्गत पास आउट हो रहे हैं, आपके आशीर्वचन से पूर्णता अभिभूत है। आपकी जो इनसे अपेक्षा है भयमुक्त समाज की स्थापना करने की, उसको पूर्ण करने में ये पूर्ण मन एवं तन से योगदान करेंगे। मैं इन सबके तरफ से आपको आश्वस्त करना चाहूँगा। इस कार्यक्रम के लिए मैं पुलिस महानिदेशक महोदय उत्तर प्रदेश महोदय का भी आभार प्रकट करना चाहता हूँ जिन्होंने अपने व्यस्त समय से अपना समय निकालकर इस आयोजन हेतु भाग लिया। अंत में मैं माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश महोदय का विशेष आभार प्रकट करता हूँ जिन्होंने अपने व्यस्त समय में से हमें प्रदेश लखनऊ में प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे डीएसी रिक्रूट आरक्षियों को सुरक्षित करने एवं उन्हें अपना आशीर्वचन प्रदान करने हेतु अपना बहुमूल्य समय दिया। धन्यवाद। कृपया अगली कार्यवाही। और ये बिंदु है दीक्षांत परेड का सबसे अहम और महत्वपूर्ण पड़ाव, शपथ ग्रहण। सभी प्रशिक्षु दीक्षांत यानी कि दीक्षा के अंत में विद्या अध्ययन के उपरांत प्रशिक्षण प्राप्त करने के उपरांत
बल के सदस्य के रूप में कर्तव्य और उत्तरदायित्व के निर्वहन की शपथ ग्रहण करेंगे और ये सौभाग्यशाली है जब माननीय मुख्य अतिथि जी द्वारा इन्हें शपथ दिलाई जाएगी। इस प्रकार से देखा जाए तो ये माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रति उनकी पूरी दक्षिणा के समान है। पूरी सेवा काल के दौरान अपनी कर्तव्य परायणता से सेवा से ये प्रदेश को सर्वोत्तम प्रदेश बनाने में संलग्न होंगे। माननीय मुख्य अतिथि का आशीर्वाद, परिवारिकजनों का, सभी अतिथिगणों का, शासन प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी जनों का सबका आशीर्वाद इनके साथ है। एक शानदार अवसर, सफलता उन्हीं को मिलती है जो मन में ठान लेते हैं, सफलता उन्हीं को मिलती है जो मन में ठान लेते हैं और बुलंदी उन्हीं को मिलती है जो वक्त को पहचान लेते हैं। वक्त को पहचान कर इन्होंने उत्तर प्रदेश पुलिस को चुना है, प्रदेश की सेवा को चुना है। शपथ ग्रहण हेतु सभी टोलियां स्थान पर पहुंच रही है और माननीय मुख्य अतिथि महोदय के द्वारा इन्हें शपथ दिलाई जाएगी। हम जोरदार तालियां एक बार, धन्यवाद। सादर अनुरोध श्रीमान पुलिस महानिदेशक महोदय से कि माननीय मुख्यमंत्री जी से शपथ ग्रहण के लिए अनुरोध करने का तर्क करें। Thank you.
खड़े खड़े ओ खने या हो बड़े एक पद सकता भी आशीर्वाद आशीर्वाद कर दपत कर दपत आशीर्वाद दीजिए तालियों से कर्नल हरिदेव उत्तर प्रदेश पुलिस परिवार के पीएसी के नए रिक्रूट आरक्षियों को आज से कि हमारे परिवार का सदस्य है और उत्तर प्रदेश पुलिस भी लाल है प्रदेश को भयमुक्त और निर्भय बनाने में उनकी सेवाएं देने के लिए संलग्न है आज से अभी से इसी क्षण तू न थकेगा कभी तू न रुकेगा कभी तू न मुड़ेगा कभी कर कपट कर कपट कर कपट की गड़गड़ाहट के बीच
तो आप देख रहे थे पीएसी रिक्रूट आरक्षी का दीक्षांत समारोह का परेड, जहां उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शिरकत किए थे और योगी आदित्यनाथ ने जो आरक्षी हैं उनको उनके शपथ ग्रहण समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर सम्मिलित हुए थे। वहीं आपको बताएं कि उत्तर प्रदेश के डीजीपी जो अभी कार्यवाहक हैं डीएस चौहान वो भी आए हुए थे, साथ ही साथ उत्तर प्रदेश के कमिश्नर लखनऊ के कमिश्नर डीके ठाकुर भी मौजूद थे। यहाँ आपको बताएं कि टोटल 15,487 पीएससी के आरक्षियों को आज शपथ दिलाया गया है। शपथ ग्रहण समारोह में आपने देखा कि सभी प्रशिक्षुओं को 6 महीने ट्रेनिंग दी गई है। साथ ही आपको बताया कि विभाग की तरफ से उसमें फेरबदल करते हुए जो पहले 9 महीने की ट्रेनिंग थी उसे 6 महीने में करके और इसे आज लागू किया गया है। पहली बार जो पीएससी की ट्रेनिंग होती है वो 9 महीने से हटकर इस बार 6 महीने की हुई है। और वहीं आपको बताएं कि मुख्यमंत्री अपने संबोधन में कहा कि पिछले 5 सालों में अगर देखें तो लॉ एंड ऑर्डर अगर कहीं सुधार आया है तो उसमें उत्तर प्रदेश पुलिस का एक बेहतर योगदान है। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि जो खाली रिक्त पदे थे उसमें 5 सालों में लगभग 1,000 नियुक्तियां आई हैं। साथ ही आपको बताएं कि 15,000 पीएससी के ये बल जल्द ही जो प्रदेश की जिम्मेदारियां हैं, प्रदेश की कानून व्यवस्था है उस पर काम करते हुए नजर आएंगे। साथ ही मुख्यमंत्री की तरफ से कहा गया कि जो पिछले जो पुलिस पुरातत्व है यानी कि जो पहले से काम कर रहे हैं उनमें और इन जो नई भर्तियां हैं इसमें काफी फासला होगा, ये डिजिटलाइजेशन के दौर के सिपाही होंगे। और वहीं अगर बात की जाए तो इन्हें हाईटेक ट्रेनिंग देने की भी बात कही गई है मुख्यमंत्री की तरफ से, जिसमें ड्रोन की ऑपरेशन से लेकर सोशल मीडिया पर निगरानी से लेकर तमाम चीजों का उन्हें ट्रेनिंग दी जाएगी। और साथ ही साथ प्रदेश के सुरक्षा और कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए पीएससी के जवान कार्यरत रहेंगे। कैमरामैन शुभम के साथ विभांशु, प्राइम टीवी, लखनऊ। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस।